दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, पंजाब में किसानों ने आज भी रेलवे ट्रैक रखा जाम, 165 ट्रेनें प्रभावित। ये आपको बता दें कि कृषि ऋण की पूर्ण माफी और कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजन को मुआवजे की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने आज भी पंजाब में विभिन्न स्थानों पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इससे 156 ट्रेनों की आवाजाही ही प्रभावित हुई। फिरोजपुर मंडल के रेलवे अधिकारियों के अनुसार 84 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, 47 शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई और 25 शॉर्ट ओरिजिनल ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि एजेंसी के अनुसार किसान मजदूर संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों ने आंदोलन की शुरुआत करते हुए पूर्ण कर्ज माफी, साल भर से चले आ रहे कृषि कानून वापसी की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा, उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की वापसी की मांग की, फसलों में हुए नुकसान के लिए प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा और गन्ना फसल का बकाया भुगतान जारी करने और ठेका व्यवस्था खत्म करने की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर, जोरदार हंगामे के बीच तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। यह आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की अलग अलग मांगों और मुद्दों की वजह से सदन में लगातार हंगामे की गूंज है, लेकिन अब संसद का शीतकालीन सत्र अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसके 23 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम था। यह पूरा सत्र विपक्ष के हंगामे से गुजरता रहा। दरअसल विपक्ष ने संसद के दोनों सदन में सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा, किसानों के मुद्दे और 12 सदस्यों के निलंबन को लेकर जमकर घेरा। विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि सरकार इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से बच रही है। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन को सेक्रेटरी जनरल पर रूल बुक फेंकने के मामले में सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि विपक्ष ने इस सत्र में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सत्र को शीतकालीन सत्र को एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। और बड़ी खबर, योगी सरकार करवा रही फोन टैप, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के आरोपों पर जल्द शुरू हो सकती है जांच। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश सरकार पर फोन टैपिंग और उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक करने का आरोप लगाया गया है। उनके इन आरोपों पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उनके इन आरोपों पर जल्द ही जांच शुरू होने की संभावना है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वो आरोप लगाया था कि सरकार उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक कर रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कराए जाने का आरोप लगाया। प्रदेश मुख्यालय पहुंची प्रियंका गांधी ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के फोन टैपिंग करने के आरोप का समर्थन करते हुए कहा कि फोन टैपिंग छोड़िए, मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट तक हैक कर रहे हैं, सरकार के पास कुछ और काम नहीं है। आपको बता दें कि उनके इस आरोपों पर अब जल्द ही जांच शुरू हो सकती है। यदि आप भी चाहते हैं कि इसकी जांच हो तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, गोवा में अपनी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे जेपी नड्डा, दिखाएंगे संकल्प रथ को हरी झंडी। यहां आपको बता दें कि कुछ महीने के बाद देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में चुनाव आयोग की तारीखों का इंतजार हर किसी को है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। हर दल सत्ता में अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सत्ता में वापसी के लिए मैनपुरी से एटा और रायबरेली से आजमगढ़ तक अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए विजय यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में जन विश्वास यात्रा के जरिए वोट बैंक को अपनी तरफ फिर से खींचने की जुगत में लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी अब तक कई योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भी चुनाव के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा गोवा में अपनी सरकार को लेकर 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे। आज वो संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब राशन की दुकानों पर बनेगा आयुष्मान कार्ड, नहीं लगाने होंगे सरकारी ऑफिसों के चक्कर। ये आपको बता दें कि देश में गरीब परिवारों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। आयुष्मान भारत योजना इन्हीं में से एक है। ये स्कीम उन लोगों के लिए लागू की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से बड़ी और गंभीर
गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करवा पाते। सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब गरीब लोग किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास आयुष्मान कार्ड होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आयुष्मान कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब प्रदेश वासियों को गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। दरअसल अब सरकारी राशन की दुकानों पर ही आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के जिलों में सरकारी राशन की दुकानों पर ही आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शुरू किया जा रहा है। इसके लिए VLE से अधिकृत किया गया है। इस प्रोसेस के तहत राशन की दुकानों पर आयुष्मान कार्ड बनाने का काम किया जाएगा। इसके लिए पात्रता की जांच भी की जाएगी। बता दें कि राशन वितरण के साथ ही कार्ड बनाया जाएगा। फिलहाल राज्य के लखनऊ, गोरखपुर और प्रयागराज में इस सुविधा को लागू किया जा रहा है। आगामी महीनों में पूरे प्रदेश में इसे लागू कर दिया जाएगा। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव के बीच में फिर से फंसा तगड़ा पेच। यहां आपको बता दें कि यूपी के चुनावी मैदान से सबसे बड़ी खबर आ रही है। पिछले दिनों अखिलेश यादव की अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात हुई और ये बताया गया कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आज अखिलेश यादव मुलायम परिवार के गढ़ मैनपुरी में हैं। खबर ये थी कि चाचा शिवपाल भी उनके साथ होंगे, लेकिन शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ में प्रचार में शामिल नहीं होंगे। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सीट बंटवारे पर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में पेंच फंस गया है। अखिलेश यादव शिवपाल के बेटे अंकुर को टिकट नहीं देना चाहते। अखिलेश चाचा को सिर्फ 3 से 4 सीटें देना चाहते हैं, जबकि शिवपाल पहले ही अपनी लिस्ट सपा प्रमुख को भेज चुके हैं। आपको बता दें कि इसके बीच सपा प्रसपा के गठबंधन में दरार पड़ती दिख रही है। अब देखना यह होगा कि दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ पाते हैं या नहीं। या और बड़ी खबर, कोरोना के कहर से हैप्पी नहीं रहेगा क्रिसमस डे। केस बढ़ने से फिर से दुनिया में लगने लगी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले दुनिया भर में कोरोना के नए केसों में कमी से जो राहत महसूस की जा रही थी वो अब खत्म होती दिख रही है। यूरोप में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिली है। इसके चलते लॉकडाउन समेत कई तरीके की पाबंदियां लगनी शुरू हो गई हैं। यही नहीं, क्रिसमस और नए साल सेलिब्रेशन का जोश भी ठंडा पड़ गया है। इस महीने की शुरुआत के मुकाबले दुनिया भर में कोरोना के नए केसों की संख्या में 12% का उछाल देखने को मिला है। हर दिन औसतन 6.46 लाख नए केस मिल रहे हैं। बीते सप्ताह के मुकाबले इस वीक 5% अधिक केस मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत और दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी इनमें काफी कम है। फिलहाल दुनिया भर में मिल रहे नए केसों में 58% मामले अकेले यूरोप के हैं। इसके अलावा 20% मामले अमेरिका में मिल रहे हैं। ब्रिटेन समेत कई देशों में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर बरप रहा है। एक ही वीक में यूनाइटेड किंगडम में कोरोना के नए केसों का आंकड़ा 51% बढ़ते हुए 51,297 से 77,601 पहुंच गया है। इस बीच संकट से निपटने के लिए नीदरलैंड ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगा दिया है। ब्रिटेन भी ऐसे ही फैसले पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इसे लेकर चेतावनी भी दे चुके हैं। जर्मनी और नॉर्वे ने भी नए केसों को थामने के लिए लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगा दी हैं। आपको बता दें कि भारत की बात करें तो भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट धीरे धीरे पैर पसार रहा है और अब तक भारत में 200 से ज्यादा नए केस मिल चुके हैं। और ये बड़ी खबर, योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर लगाई रोक, अवहेलना करने वालों पर होगी कानूनी कार्यवाही। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में एक बार फिर से एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अब यूपी में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। दरअसल अपर मुख्य सचिव कार्मिक डॉक्टर देवेश कुमार चतुर्वेदी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य की गतिविधियों से संबंधित किसी भी सार्वजनिक सेवा निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके बाद भी हड़ताल करने वालों के खिलाफ कानूनी व्यवस्था के तहत कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। और ये बड़ी खबर, बीजेपी में शामिल होते ही राणा गुरमीत सिंह ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला। कहा पंजाब को सिर्फ पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी बीजेपी में शामिल हो गए। गुरमीत सिंह ने बीजेपी में शामिल होते ही कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले लिया। गुरमीत सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आंतरिक कलह ने राज्य में खतरनाक स्थिति पैदा कर दी है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि पंजाब के फायदे के लिए वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। गुरमीत सिंह ने बीजेपी में शामिल होते ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। पूर्व मंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में पीएम मोदी ने देश का बहुत विकास किया है। बीजेपी और
पीएम मोदी ही पंजाब को बचा सकते हैं। पंजाब के फायदे के लिए मैंने बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया है। आपको बता दें कि गुरमीत सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और ये बड़ी खबर, अब जल्द बदलने वाला है हैदराबाद का नाम। हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करना चाहता है आरएसएस। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह भी कर चुके हैं मांग। ये आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस ने हैदराबाद का नाम बदल कर भाग्यनगर करने का मुद्दा उठाया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इसकी मांग कर चुके हैं। संघ जनवरी महीने में 5 से 7 जनवरी तक समाज के विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत विविध संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों की समन्वय बैठक करने वाला है। इसकी जानकारी देते हुए एक ट्वीट किया गया जिसमें हैदराबाद का नाम भाग्यनगर लिखा है। आपको बता दें कि इस बैठक में बीजेपी भी शामिल होगी। इस बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष सहित संघ से जुड़े विभिन्न संगठनों के अन्य शीर्ष पदाधिकारी इस वार्षिक बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि पिछले साल जब हैदराबाद में नगर निगम के चुनाव हो रहे थे तो प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने का मुद्दा उठाया था। उनके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस मुद्दे को अपने भाषणों में जगह दी। प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि अगर फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया जा सकता है, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया जा सकता है, तो हैदराबाद का भी नाम भाग्यनगर रखा जा सकता है। यदि आप भी चाहते हैं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर किया जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।